मथुरा में जन जागृति ब्रज मंडल ग्रुप के एक वर्ष पूर्ण होने पर सभी सदस्यों ने केक काटकर वार्षिक उत्सव मनाया। वहीं यमुना के तट पर भजन संध्या एवं भंडारे का भी आयोजन हुआ। जन जागृति ब्रज मंडल जो कि एक सामूहिक ग्रुप है जिसमें महिला पुरुष सभी सदस्य हैं, वह मथुरा के ज्वलन मुद्दों पर अपनी आवाज बुलंद करता है। आज जन जागृति ब्रज मंडल के ग्रुप के एक वर्ष पूर्ण होने पर वार्षिकोत्सव मनाया गया, जिसमें सर्वप्रथम सदस्यों ने यमुना के तट पर केक काटकर कार्यक्रम की शुरुआत की। सरिता चतुर्वेदी ने बताया कि जन जागृति मंडल के एक वर्ष पूर्ण हुए हैं, जिसके तहत आज विभिन्न कार्यक्रम किए जा रहे हैं। सर्वप्रथम केक काटा गया है, उसके बाद भजन संध्या का आयोजन होगा, वहीं फिर भंडारे का भी आयोजन यमुना के तट पर होगा। भंडारे के बाद यमुना जी की आरती नाव से की जाएगी, उसके बाद यमुना तट पर दीपदान का भी आयोजन किया जाएगा। आज जन जागृति ब्रज मंडल को हमारे एक वर्ष पूरा हो रहा है, तो उस उपलक्ष्य में पल्ली पार पे हम आज कार्यक्रम कर रहे हैं। पहली वर्षगांठ मनाई जा रही है और अच्छा लग रहा है कि मुझे खुशी हो रही है इस बात को लेके कि है ना, हमारा जितने ग्रुप के जितने ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य हमारे संग आज इस कार्यक्रम में उपलब्ध हैं। क्या क्या कार्यक्रम हो रहे हैं यहाँ पर? भजन का कार्यक्रम है, भोजन का कार्यक्रम है और संगीत का भी कार्यक्रम है। और भी कोई कार्यक्रम? हाँ, इसके बाद में दीपदान का कार्यक्रम है। दीपदान के बाद में शाम को विश्राम घाट पे नाव से आरती का आयोजन किया गया है। सचिन चतुर्वेदी ने बताया कि एक व्हाट्सएप ग्रुप से खड़ा होकर आज ग्रुप यहां तक पहुंचा है, उसके लिए एक वर्ष की उपलब्धि के अवसर पर आयोजन किया जा रहा है। मथुरा के विभिन्न मुद्दों पर लगातार संघर्ष से उत्पन्न जन जागृति ब्रजमंडल आगे भी मथुरा की जनता की आवाज बनेगा। जागृति ब्रजमंडल संस्था के द्वारा एक वर्ष पूर्ण होने पर उसकी स्थापना दिवस के रूप में उत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें संस्था के सभी सदस्य आए हैं और यह उत्सव यमुना पार फार्म हाउस पर मनाया जा रहा है, जहां भजन संध्या का आयोजन है, बाद में सहभोज का कार्यक्रम है, फिर यहां से प्रस्थान करते समय माँ श्री यमुना का दीपदान एवं उनकी पूजन का व्यवस्था की गई है।